विनोद फाउंडेशन एवं आर्य चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से सामाजिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। इसी श्रृंखला में आर्य यूथ फाउंडेशन की ओर से रामटेक तहसील के हेवरा बाजार में मुफ्त ड्राइविंग प्रशिक्षण और ड्राइविंग लाइसेंस का कैंप आयोजित किया गया था, जिसका समापन कल प्रशिक्षणार्थियों को मुख्य अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र सौंप कर किया गया। रामटेक तहसील के हेवरा बाजार में मुफ्त ड्राइविंग प्रशिक्षण और कौशल विकास कक्षाएं आयोजित की गयी। इसके माध्यम से हेवरा बाजार और क्षेत्र के 190 युवाओं को इस मुफ्त शिविर से लाभ लिया है। हेवरा बाजार क्षेत्र में जो आर्य चैरिटेबल ट्रस्ट व आर्य यूथ फाउंडेशन द्वारा जो ड्राइविंग प्रशिक्षण व लाइसेंस की सुविधा का जो कैंप लगाया गया था, उसका समापन समारोह आप देख रहे हैं। इतनी बारिश में भी जो लाभार्थी है वह आज अपना अपना सर्टिफिकेट लेके जाते हुए कितने खुश दिख रहे हैं, और मुझे लगता है यही हमारे ट्रस्ट का और हम सबका उद्देश्य है कि सबके चेहरे पे मुस्कान लाए, खुशियाँ लाए। ये पूरा उपक्रम जो था, 190 बच्चों को हमने इसमें प्रशिक्षण दिए और लाइसेंस दिए, और ये 14 गांव जो अगल बगल के गांव है बड़े बड़े, उनमें से छात्र छात्राएं जिनका हमने कुछ निकष रखा था कि 18 वर्ष के ऊपर आयु चाहिए, और उनकी हमने कुछ कंडीशंस रखी थी जिसमें ये 190 लोग फिट हुए। और हम हमारे ट्रस्ट के तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि न सिर्फ इनको ड्राइविंग सिखा के छोड़ दिया जाए, न सिर्फ इनको लाइसेंस दे के छोड़ दिया जाए, पर इनको आने वाले समय में रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो, वो भले ही किसी ड्राइवर के माध्यम से हो, ट्रक ड्राइवर बोलिए, बस ड्राइवर बोलिए या कार ड्राइवर बोलिए, और ये नहीं हो पाया तो वो स्वयं का अपना एक उद्योग स्थापित करे, जैसे ओला है, उबर है, इसके माध्यम से अगर अपने लिए गाड़ियां खरीदते हैं तो हम ट्राई करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनके लिए यह जो सुविधा है वह आसान किस्तों में, जो कि वो कमा के किस चुका पाए, अपनी खुद की गाड़ी और खुद का बिजनेस शुरू करे। मैंने आपको अभी वही बताया कि इस पूरे ट्रस्ट का काम यही है कि सिर्फ उन्हें हम ड्राइविंग प्रशिक्षण देके छोड़ देने का काम न करते हुए हम उनके लोन के लिए उनको किस कैटेगरी में फिट करना और किसके लिए रिकमेंडेशन देना, किसके लिए क्या करना, यह सारी चीज़ों की व्यवस्था एक व्यापक स्वरूप से हमारे पास है, और जिसके अंतर्गत ये मेरे ख्याल से 10वां कार्यक्रम इस विधानसभा में है, और ऐसे कई लोग ऑलरेडी जो है वो गाड़ियों को फाइनेंस करा चुके हैं और कई लोग नौकरियों पे लग चुके हैं। कल हेवरा बाजार में शिविर से लाभान्वित लाभार्थियों को शिवसेना रामटेक विधानसभा प्रमुख एवं आर्य यूथ फाउंडेशन के संस्थापक विशाल बरबटे एवं मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र एवं लाइसेंस वितरित किए गए। ये आर्य यूथ फाउंडेशन के तरफ से जो आज यहाँ पर ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस के उपलक्ष पर जो कार्यक्रम रखा गया वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही तारीफ के काबिल है। सही मायने देखा जाए तो इस देवलापार और हेवरा बाजार आदिवासी बहुल क्षेत्र में रोजगार की वाकई बहुत कमी है, और ऐसे समय में जिस पर काम इस क्षेत्र के विधायक और सांसद ने करना चाहिए था, जो 20-25 साल से सत्ता में आके बैठे हैं, पर जनता के हित में और यहाँ के बेरोजगारों के हित में, आदिवासी और सर्व बहुजन समाज के हित में जो पूरी तरह से निष्क्रिय और नाकामयाब रहे हैं, वो कार्य हमारे नेता आदरणीय विशाल भाव बरबटे इन्होंने आर्य हित फाउंडेशन के माध्यम से किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे क्षेत्र के इन युवाओं को बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार प्राप्त होंगे और उनकी जिंदगी खुशहाल होगी, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। मैं बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आर्य यूथ फाउंडेशन को और हमारे नेता आदरणीय विशाल जी बरबटे इनको। आर्य चैरिटेबल ट्रस्ट और आर्य यूथ फाउंडेशन, इनके माध्यम से आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, इनके संस्थापक विशाल जी बरबटे इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं ग्राम पंचायत मेंबर से लेकर तो पंचायत समिति का सभापति करके मैंने काम किया इस क्षेत्र के अंदर में, लेकिन मैंने आज तक के जिन लोगों पे जिम्मेदारी है कि यहाँ के लोगों का विकास करे, उनको रोजगार उपलब्ध करा दे, लेकिन हमने ऐसा कार्यक्रम लोक प्रतिनिधि के माध्यम से कभी नहीं देखा। खासदार निष्क्रिय, आमदार ने 20-25 साल में कुछ नहीं किया। हर व्यक्ति अपने भाषण के अंदर में यही बोलता है कि ये
आदिवासी इलाका है, पिछड़ा इलाका है, ठीक है आदिवासी इलाका है, पिछड़ा इलाका है, लेकिन इस फाउंडेशन के तरफ से जो कार्यक्रम यहाँ पर लिया गया है कि जो युवा है उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस का उपलब्धता जो विशाल भाव बरबटे इनके संस्था के माध्यम से किया गया है, तो उनका पोटेंशियल जो था जहाँ पर यहाँ पर आदिवासी लड़कियाँ, ओबीसी लड़कियाँ और गरीब लड़कियाँ ये सामने आई और अच्छी तरीके से उसका फायदा लिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विशाल जी बरबटे को कि इन्होंने अपने हमारे जो ये इलाके के अंदर में एक अच्छा कार्यक्रम किया है, बहुत सराहनीय है, और फिर से मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद। इस प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम के अवसर पर शिवसेना के रामटेक तहसील प्रमुख हेमराज चौखांद्रे, पार्श्वनी तहसील प्रमुख कैलाश खंडार, रामटेक विधानसभा सलाहकार प्रमुख अरुण बंसोड़, कामकाज सेना जिला प्रमुख समीर मेश्राम, पार्श्वनी तहसील संगठक गणेश मस्के, विभाग प्रमुख राजेंद्र बागड़े, खिड़गी गांव के सरपंच राम प्रसाद कोकुटे, विनोद बन्नोटे सहित देवला पार्क के सैकड़ों हितग्राही एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।